हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट द फंक्शंस f सच दैट r टेंड्स टू r एंड g सच दैट r टेंड्स टू r बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस मॉड x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इनटू e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x। Then the area of the region in the first quadrant bounded by the curves y is equal to fx, comma y is equal to gx and x is equal to 0. तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 e माइनस e टू द पावर माइनस 1। ऑप्शन बी 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 e टू e माइनस e टू द पावर माइनस 1। ऑप्शन सी 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 e प्लस e टू द पावर माइनस 1 एंड ऑप्शन डी 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ई प्लस ई टू दी पावर माइनस 1। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? मॉड फंक्शन क्या होता है? जैसे कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एच, तो ये कैसे ओपन होता है? अगर एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव एच के साथ ओपन होता है, और अगर h इज लेस देन 0 है तो नेगेटिव h के साथ ओपन होता है। और इसके अलावा एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स या एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, इसे लिख सकते हैं बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। क्या होता है ये? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो कर्व हैं, कोई एक को हम लेते हैं kx, एक को px। जैसे ये हो गया हमारा kx, ये हो गया px, और ये हमारा है a से लेके b तक। तो इसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये हमारा होता है एरिया a इज इक्वल टू, ये जो इनक्लोज्ड एरिया होता है ये लिमिट a टू b आती है, a टू b, और ये क्या होता है? ये हमारा px है, तो px माइनस का kx और ये dx। तो इस तरह से हम दो कर्व्स के बीच का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दो फंक्शन दे रखे हैं, पहला fx दूसरा gx। तो इसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें fx क्या गिवन है? fx इज इक्वल टू ये है e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस मॉड x माइनस 1। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से fx इज इक्वल टू, जब हमारा यहाँ पे x माइनस 1 है तो इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब हमारा x इज लेस देन 1 है तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस x माइनस 1 माइनस, ये हमारा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर x माइनस 1 ये बचेगा। और अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो ये हमारा पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, तो e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस का मंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा फंक्शन? ये आ जाएगा 0, x इज लेस देन 1 एंड e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस एक्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारा एफ एक्स आ गया। और जी एक्स क्या है? gx से हमारा 1 अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x, तो gx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमने सबसे पहले ये y एक्सिस और ये हमारी यहाँ पे x एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये x एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो सबसे पहले हम fx क्या है हमारा, fx पीछे से देखते हैं। fx हमारा x इज लेस देन 1 तक तो ये हमारा 0 रहेगा, फिर 1 के बाद हमारा ये आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग जाएगा कि डिक्रीजिंग जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जैसे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, और जिस रीजन में हमें चेक करना होता है वहां से हम वैल्यू पुट करके देखते हैं उस डिफरेंशिएशन में, फिर देखते हैं कि जीरो से बड़ी या छोटी है। अगर जीरो से बड़ी होती है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जीरो से छोटी होती है तो डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम एफ डेस एक्स करें इसके लिए, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1
और यहाँ पे माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस यहाँ पे माइनस एक्स का माइनस 1 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसमें 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये हमें ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा 1 के बाद इंक्रीजिंग होगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको 0 ले लिया, इधर हमने कहीं 1 ले लिया, तो कैसा जाएगा, 0 से लेके 1 तक तो हमारा 0 रहेगा, फिर यहाँ से हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस तरह से। अब ये हमारा हो गया एफ एक्स। अब हम जी एक्स और चेक कर लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से अब हम चेक करते हैं जी एक्स को, तो इसका एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, और ये माइनस का हो जाएगा ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करें तो क्या आएगा, 0 पे इसकी वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, ई टू दी पावर माइनस 1 और ई टू दी पावर 1 और ये 1/2, तो कुल मिला के ये 1 से ऊपर आएगी वैल्यू इसकी। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं इसको, ये हमारा अगर 1 हो जाएगा तो ये लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले रहे हैं और हम सेकंड क्वाड्रेंट पे भी ग्राफ जाएगा लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहा गया है। तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से जाएगा। अब देखते हैं 1 पे इसकी क्या कंडीशन रहेगी। अगर हम इसमें एक्स जगह 1 पुट करते हैं तो ये ई टू दी पावर 0 और प्लस यहाँ पे ई टू दी पावर 0 प्लस ई टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 पर 1 आ जाएगा। अब 1 के बाद चेक करें तो जैसे कि एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो अगर हम एक्स इज ग्रेटर देन 1 करेंगे, जैसे यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद ये हमारा इंक्रीजिंग ही होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये कुछ इस तरह से ये जाएगा और ये इस तरह से आगे जाके कहीं कट कर जाएगा। तो अब हमें यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, ये हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एफ एक्स का, ये हमारा जी एक्स का है, तो दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स का क्या है, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स है, तो इससे हम लिख देते हैं 1/ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, एक ही बात है। और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी कितनी है, ये है यहाँ पर ई टू दी पावर 1 माइनस एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, 1/ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2/ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस, और ये 1/ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 और इस वाले को हम राइट में भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और हम यहाँ पे एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln √3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस ln √3। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x एक्सिस पे वो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस ln √3। तो अब हमें यहाँ पे पूरे इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, इस पार्ट का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम 0 से लेके 1 लेंगे, फिर 1 से लेके 1 प्लस ln √3 लेंगे। तो यहाँ से इसको करते हैं, तो एरिया हमारा हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू 0 से लेके 1, कौन सा आएगा है इसमें ग्राफ, ये तो एफ एक्स तो हमारा 0 ही है, तो इसमें जी एक्स लेंगे, तो जी एक्स क्या है हमारा, 1/2 ई टू दी पावर, पहले हम लिख लेते हैं इसको जी एक्स और ये डी एक्स, फिर उसके बाद में 1 से लेके 1 प्लस ln √3, ये है। इसमें क्या आएगा, इसमें हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी ये ग्राफ भी आ रहा है और ऊपर का जी एक्स भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा जी एक्स माइनस एफ एक्स, जी एक्स जी एक्स माइनस यहाँ पर ये जी एक्स माइनस एफ एक्स और ये dx। तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1, इसकी वैल्यू कितनी, 1/2 आगे भेज देते हैं, और e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 1/ e टू दी पावर x माइनस 1,
और ये dx प्लस इसकी 1 अपॉन 1 प्लस ln रूट 3 इसकी कितनी है gx की है 1 अपॉन 2 e टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 और fx की कितनी है सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 और ये पूरे का ये dx। तो अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो करते हैं इसको तो 1 अपॉन 2 इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस x और माइनस x का जो माइनस 1 होगा वो नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा माइनस साइन आ जाएगा इधर माइनस आ गया और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 प्लस ऐसे इसका यहाँ पर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ln रूट 3 यहाँ पे 1 बाई 2 e टू दी पावर x माइनस 1 यहाँ पे माइनस e टू दी पावर x माइनस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 e टू दी पावर x माइनस 1 ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा ये प्लस का 1 बाई 2 इधर प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 e टू दी पावर x माइनस 1 और ये पूरे का dx ये हो गया। तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 यहाँ पर तो हम लिमिट यूज कर देते हैं तो e टू दी पावर 1 माइनस 1 0 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस 1 0 0 फिर उसके बाद में माइनस e टू दी पावर 0 माइनस 1 e टू दी पावर माइनस 1 और ये प्लस का हो जाएगा e टू दी पावर 1 माइनस 0 तो e टू दी पावर 1 यानी कि e यहाँ पर प्लस यहाँ पे हम माइनस 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ये हमारा बचेगा हम साथ में डिफ्रेंशिएशन वो इंटीग्रेशन भी करते हुए इसका चल रहे हैं तो e टू दी पावर x माइनस 1 तो इसका तो e टू दी पावर x माइनस 1 रहेगा यहाँ पे ये माइनस इसका कॉमन लिया हमने माइनस 1 बाई 2 तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस फिर 3 और e टू दी पावर इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो 1 माइनस x हो जाएगा और 1 माइनस x का करें मतलब माइनस x का जो माइनस 1 होगा वो नीचे आ जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 1 प्लस ln रूट 3 ये हो गया। तो अब ये e टू दी पावर 0 से e टू दी पावर 0 कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा a इज इक्वल टू 1 बाई 2 e माइनस e टू दी पावर माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 यहाँ क्या हो जाएगा e टू दी पावर 1 प्लस ln रूट 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू e टू दी पावर 1 माइनस 1 माइनस ln रूट 3 और यहाँ पर माइनस e टू दी पावर 0 और यहाँ माइनस यहाँ पर भी माइनस आएगा कितना हो जाएगा 3 इंटू e टू दी पावर 1 माइनस 1 e टू दी पावर 0 ये आ गया। तो अब हमें इसको करना है तो 1 से ये हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e माइनस e टू दी पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 ये कितना बच रहा है ये e टू दी पावर ln रूट 3 और 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एल एन रूट 3 और ये बचेगा माइनस का ई टू दी पावर 0 और ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा तो ये ई टू दी पावर एल एन रूट 3 प्लस ई टू दी पावर माइनस एल एन रूट 3 और ये माइनस का 4 ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e माइनस e टू दी पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 e टू दी पावर ln ये आपस में कैंसिल होकर कितना बचेगा रूट 3 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है a ln b ये क्या हो जाता है ln b टू दी पावर a हो जाता है तो यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर यहाँ पे हाफ तो है ये माइनस और ऊपर चला जाएगा तो कितनी हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3 अपॉन रूट 3 और ये e और ln आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस का 4 ये कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e माइनस e टू दी पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का रूट 3 बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 से 3 रूट 3 बार कैंसिल और ये माइनस का रूट थ्री बाई टू और यहाँ पे प्लस का 4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 अपॉन 2
माइनस ई टू द पावर माइनस वन, माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू, टू माइनस का टू रूट थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल तो कितना बचा, माइनस का रूट थ्री बचा, और ये, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई टू से, तो यहाँ पे फोर बाई टू हो जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा प्लस का टू। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। ए हमारा करेक्ट हो जाता है, वन अपॉइंट टू ई माइनस ई टू दी पावर माइनस वन और टू माइनस रूट थ्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।